हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको निटको लॉजिस्टिक्स का जो ट्रांसपोर्ट है उसकी ट्रैकिंग करना बताएंगे कि जब भी आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बुक करवाते हैं आप निटको ट्रांसपोर्ट से, तो आप उसको किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, आपका माल कब बुक हुआ है, कहाँ पहुँचा है, कब डिलीवर हुआ है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएगी। ये सारी चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे और किस तरीके से ट्रैक करना है ये आज हम आपको बताएंगे। तो मैं वरुण फ्रॉम APL इंटीरियर्स, तो आपको बताते हैं कि किस तरीके से होगा। सबसे पहले जब भी आपका माल या प्रोडक्ट यहाँ से बुक होगा, तो आपको इस तरीके से एक बिल्टी मिलेगी, एक पेपर दिया जाएगा जो एक प्रूफ होगा कि आपका प्रोडक्ट यहाँ से निकल चुका है। इसमें देखिए कंसाइनमेंट नंबर लिखा होता है, ये रहा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा BWN1KC14018, ये कंसाइनमेंट नंबर है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस सीरियल नंबर को, जैसा कि आप देख रहे हैं 041, इसको कंसाइनमेंट नंबर समझ लेते हैं। तो ये कंसाइनमेंट नंबर नहीं है, ये जस्ट एक सीरियल नंबर है। तो कंसाइनमेंट नंबर ये है, अब इसको कैसे ट्रैक करेंगे वो देख लीजिए आप। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, मैं आपको सब दोबारा से करके दिखा देता हूँ। गूगल पे जाके आप क्या सर्च करेंगे, निटको ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग। जैसे ही ये सर्च करेंगे सबसे ऊपर इसकी वेबसाइट आ जाएगी, वेलकम टू निटको लॉजिस्टिक्स, www.nitkologistics.com। तो इसमें आपको क्लिक करना है, इसके सबसे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा एंटर ट्रैकिंग नंबर। तो जो BWN जैसे स्टार्ट था BWN करके, वो आपको इसमें डालना है। सीरियल नंबर नहीं डालना है, ट्रैकिंग नंबर डालना है। तो इसमें ट्रैकिंग नंबर मैं डाल दूंगा BWN1KC14018। ये डालने के बाद आपको सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे निटको पूरी डिटेल्स दे देगा आपको कि आपका प्रोडक्ट कब बुक हुआ था, कहाँ के लिए बुक हुआ था, कब निकला, कब डिलीवर हुआ, सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको। सो इसको मैं लैंडस्केप में कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। तो देखिए नीचे आएंगे, सबसे पहले आपको ये GR नंबर या ट्रैकिंग नंबर, ये सेम ही होते हैं, ये बताएगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ BWN1KC14018, ये आपका कंसाइनमेंट नंबर है। डेट मतलब कब आपकी बिल्टी बनी थी, तो 14 तारीख को दिखा देगा। ये GR डेट का मतलब होता है कब आपका प्रोडक्ट बुक हुआ था, तो 14 तारीख को बुक हुआ था, 3 पैकेजेस थे टोटल और अंधेरी के लिए बुक हुआ था। अब नीचे जाएंगे, देखिए डिस्पैच पार्टिकुलर्स बताएगा कि ब्रांच बवाना से बुक हुआ था ये, ठीक है, 14 तारीख को बुक हुआ था बवाना से, 3 पैकेजेस थे। डिस्पैच डेट में ये बताएगा कि कब आपका माल पहुंचा, तो 15 तारीख को बवाना से ये खरखोदा पहुंच गया। 2 स्टेशन दिखा हुआ है, इसमें खरखोदा लिखा हुआ है, तो इसमें आपका बता रहा है बवाना से खरखोदा पहुंचा 15 तारीख को। और इसमें ट्रक नंबर भी दिखा रखा है आपको, ये ट्रक नंबर था। अब अगले नीचे आएंगे तो खरखोदा में ये 15 तारीख को पहुंचा और खरखोदा से अंधेरी ये 16 तारीख को पहुंच गया। देख सकते हैं आप, इसमें पैकेजेस 3 हैं, डिस्पैच डेट में 16 तारीख है, 2 स्टेशन में अंधेरी है। तो खरखोदा से अंधेरी 16 तारीख को ये पहुंच गया था। तो जैसे ही कस्टमर को पता लगा होगा कि माल उसका आ गया है, तो उसने 1 से 2 दिन के अंदर, जैसा कि इसमें लिखा हुआ अंधेरी डिलीवर, अंधेरी में इसमें 20 तारीख को कस्टमर ने माल उठा लिया। और नीचे जाएंगे, देखिए गेट पास नंबर लिखा होगा जिसने भी माल उठाया, डेट लिखा होगा 20 तारीख जिस दिन माल उठाया, और नीचे स्टेटस में दिखाएगा डिलीवर्ड। तो ये तरीका था कि आप कैसे निटको से अपना प्रोडक्ट ट्रैक कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। सो होप करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।